अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बनाते हैं ये घर के सेवैयाँ से बहुत ही टेस्टी नूडल्स की रेसिपी बनाएंगे हम। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हम सेवैयाँ ले लेंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा। इतनी सेवैयाँ एक जन के लिए इनफ है, मतलब बराबर आ जाएंगी। सेवैयों को अच्छी तरीके से रोस्ट करके साइड कर लेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल पानी ऐड कर देंगे, सेवैयों के हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करके इसको बॉईल कर लेंगे। अब पूरा कुक नहीं करना है हमें, थोड़ा सा इसको 80% तक कुक कर लेना है। उसके बाद स्ट्रेन करके साइड में रख लेंगे। ठंडा पानी ऐड करके कढ़ाई में ऑयल ऐड करके प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, थोड़ा सा पका करके शिमला मिर्ची सॉल्ट ऐड करके, शिमला मिर्ची को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा उसमें क्रंच रहने देना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। 2 पैकेट पास्ता मसाला ऐड कर देंगे हम। दूसरे चीज़ें कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जो सेवैयाँ हम बॉईल करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। प्लेट में निकालेंगे, आप चाहो तो